Tabii mazot var. İstikrar şey. Bu sorun bari gülamta. Bu gülam geç ortaya. Cüske gülam mutluyen, bu apın sohbeti alakta. Bir gülam bir kahane. Başa alakta. Apın bir çağ alakta. Or cüske jo gülam mutluyen, usko nukta. Yoga'yı yayın ya. तो तुम्हारे जो ग्रंथ हैं गीता है वेद हैं ये कुछ भी नहीं है सबसे अच्छी जो बाइबल है फिर ये बना जो जो ईसाई बंदे नौकरियां दी गई ये हालत लेकिन प्रभु जी के अंदर बचपन से लहर थी वो ऋषियों का योग जो है उसको सीखेंगे जब सारी जगह अंधकार हो तो रोशनी कहाँ है जंगलों में तो योग है और आपको पता ही है पढ़ते हैं जंगलों में जाए महाप्रभु जी के पास गए महाप्रभु के पास कैसे गए ये क्यों गए ये तो आप उनके जीवन से पढ़े लेकिन उन्होंने प्रभु जी को संपूर्ण योगी बना दिया सब सिद्धियां होती योग के जो चार पाद हैं उसमें समाधि पाद है साधना पाद है परिपूर्ण साधना की और शक्ति भी दी जो सिद्धि पाद होती है आकाश में उड़ने की वहां पर भी आकाश में उड़ते थे ये भी आकाश में उड़ने लगे तो सिद्धियां थी उसके बाद कैवल्य पा जाता है मुक्त होते ये योगी आप भी मुक्त है मैं मुक्त होकर भी भगवान जो मुक्त है ये हमारे पास है वो भी मुक्त है वो भी हमारे पास दर्शन करते हैं कभी नहीं आए गुरु की आज्ञा सर्वधारी होती है महाप्रभु ने कहा लोग दुखी हैं अब तुम जाओ ये विद्या लोग हैं उनको पास ये अवतार हैं अवतार जो आते हैं किसी काम के लिए आते हैं हर एक अवतार का काम हर एक युग में करता है आपको बताया चार युग होते हैं सत्य फिर तत्व अक्षर के लिए तो भी कहते हैं कि हम जो युग लाए हैं ये चारों युगों में लोग ही हम पावर करते हैं सत्य में कुछ कैसे हैं आप कहते हैं ब्राह्मण जिन अपनी योग शक्ति द्वारा विश्व से राज्य ना योग शक्ति द्वारा चमत्कार किया राष्ट्र राज्य का आय धर्म एक शक्ति और उसके सामने योग का प्रचार किया हुआ जो वेद लिखे गए हैं उसमें योग ही तो है क्या होता है योग योग क्या है जो पवित्र है मन की शुद्धि इससे पहले योग कोई नहीं है मन की शुद्धि और वेद का शब्द है आप मेरी पंचशती किताब पढ़ लो उन्हें छह मंत्र हैं मन की वेद मंत्र हैं जागो दूरम जायती दैवम सही व्यक्ति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेख जो मन भरा देवता के स्वरूप है और जो मन इतना शक्तिशाली है यहाँ जा सकता है सु भाग सकता है कहीं जा सकता है सोते भी जा सकते
मुझे माने ना, हम इसे सकते योग खुद नहीं कर सकते। अब क्या मैं योग खुद करूँ? इसे वेदों के ऋषि भी उस समय ब्राह्मण अवतार के समय में जो वेद बने उसे नहीं लिखी जाए, प्रभु आप मेरे मायने आपसे योग कराम बिना गुरु के जो नहीं हो। यही चल शेष मंत्र मैंने किताब में दिए हुए योग पंचायती में बोले अखीर में यही है कि तन ने मना शुभ संकल्प में यही योग साथी में ये जब कहते थे महाराज जो पूछती हो कहते मैं क्या लिखूँ, सब कुछ लिखा पड़ा है वेद से बड़ी मैं पुस्तक क्या लिख सकूँ। और जो पुस्तक है भगवान की गीता है उससे बड़ी पुस्तक होती है, शिव जी का हर्षोर ग्रंथ है उससे बड़ी पुस्तक हो सकती है, पतंजलि का योग दर्शन है उससे बड़ी पुस्तक मैं क्या लिखूँ। हाँ स्वामी जी उसके बाद आए स्वामी जी का अरे आप लिखवाएंगे वो साथियों के बाद बड़ी कहते हर एक युग में योग योग तो प्राचीन है, इससे इससे पहले योग था ही यही इंसान का धर्म योग अपने कालीन सब्जी का सुन लिया आगे कुछ यूज है उसे थोड़ा पता नहीं आगे उसने योग से भी बड़ी इंसान योगी इंसान योग की दोस्ती राम योग की मूर्ति थी मर्यादा पुरुष अंदर से बाहर से लोग हर ध्यान जाए पर वचन न जाए रघुवीर सदा चली आई प्राण इसे बड़ा योग क्या हो और आपकी शक्ति अगर वो ना होते राम ना होते आज भारत में होता और तरह होता मैंने आपकी शक्ति के बचपन में ही अपने गुरु के साथ मिलकर राक्षसों को बचपन में राक्षसों को काल काल को खत्म किया वृक्षियों के ऊपर जो आक्रमण करिए उनको खत्म किया। वो योगी योगी ऐसा काम कर सकते योगी जरूरत है तो रामाकार ने राम ने योग करके हिंदुस्तान को वो बना दिया आज योगा देखिए राष्ट्र में देखे योग था सत्य के लिए प्रणाम छोड़ने में प्यार थे लेकिन सत्य छोड़ दिया। अब तो उसके बाद तेतर बाद ड्रॉप हो जाते हैं ड्रॉप कर दे तो कुछ ना तो साक्षात ईश्वर किसी से बड़ा ईश्वर कौन हो सकता साक्षात मैं कहता हूँ भागवत कहते हैं ऋषि कहते हैं जिन्हें कृष्ण को पहचानना है कि वो साक्षात और योग क्या करना है उनके योग में सब गीता के अंदर श्रीमद भगवद गीता एक एक शब्द जो कर जीवन था उनका और कह दिया कि योग से ही पाप नष्ट होंगे और धर्म का नष्ट ये योग है
ईसाई धर्म से गिरानी बकरी बात से गिरानी जो धर्म की रक्षा की जाता है तो आए धर्म के हैं योग का वो साक्षात मूर्ति नहीं थे, साक्षात उनका ग्रंथ योग है और साक्षात कर्म भी योग है। पर इत्फाक से वो समय बीत गया, ये समय आ गया जिसमें एक बार दूसरी ग्राम में, दूसरी बार तीसरी ग्राम में, तीसरी बार चौथी ग्राम में और अखीर में आ गए सिकैम की ग्राम में। सिकैम की ग्राम में जो लूटता है, जो होता है लूटता है, गरीब मर रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये विचार हो रहा है, ये ग्राम अनाचार की ग्राम और अनाचारी लोग डालता है। अब प्रभु जी अगर उन्होंने भाई ईश्वर विचार कर हम अब वो शक्ति पहले जो ईश्वर को चाहता और वो प्रयाग और उसको चाह तुमने कहा कि योग करो योगी बनो। अब योग करो योगी बनना, हमें योग भी करना है योगी बनना है, पर उस इसमें क्या शिक्षा उसे मैं कहता सारा जो सतयुग सतयुग में हुआ वो सब अब जरूरत है, अब योग की बहुत जरूरत है। अब योगी है ही कोई, सब अयोगी है, एक एक को ठीक करना जो सारे लेख होते हैं तो काफी ठीक करते हैं तो पांच सात त्रुटियां तो ठीक कर देंगे, लेकिन सारी त्रुटियां करना है तो काफी को करा कर देंगे तो करना पड़ेगा। अब हर एक योग योग करो योग करो प्रचार करो तो अब पूरा योग करना होगा, वेदों का भी और राम का भी और कृष्ण का भी करना होगा और जो और भी है उसे करना होगा। इसे उन्होंने कहा संपूर्ण योग छोड़ा नहीं पड़े, अगर वेदों का सच बोलो योग है, राम ने कहा मर्यादा रखो योग है और कृष्ण ने कहा ये गीता के अंदर संपूर्ण योग है पर तो कोई योग नहीं है, आशयोग नहीं है तो आप से जुड़े योगी योग है और वो हमारे लिए हमारे जीवन में आ गए। तो संक्षेप में कहूँगा कि सतयुग योग का क्या रहता है, इतना बड़ा हम कह कर सकते हैं लेकिन चख तो सकते हैं, जलवायु के पास बहुत सी चीज़ें हैं पर चखा दो तो चखने में स्वाद आ जाएगा। किशन का जो इसका गीता में बहुत योग है, गीता के हर ट्रैक में जो ध्यान से पढ़ो एक एक चैप्टर में जो मिले अब वो हर एक चैप्टर क्या है ये ऐसा योग है लेकिन कर्म योग से योग है कर्म करो क्या अपने और काम से कुछ मिलेगा जो मिलेगा ईश्वर भगवान की इच्छा से मिलेगा तो क्या संतोष में ही सब जो लोग दुकानदार हैं एक तरह की कैपिटल लगाया है एक तरह की ब्याज कटे है एक को ज्यादा आमदनी होती है दूसरे समाज उनकी शिक्षा तो जो होता है संतोष
जो होता है उसकी अपनी किस्मत तुम्हारी अपनी, रब भी होता है वही काम करें, किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को मिलता है, उसके लिए पूर्व जन्मों का भी हिसाब होगा दोस्तों, और उसके लिए हमें संतोष देना पड़ता है, अपना कर्म करो लेकर फल के प्रति संतोष किया कर संक्षेप में गीता का यही पहली चीज है, काफ है जो गीता और गीता बहुत बड़ी कर्म है, गीता से ग्रंथ कोई नहीं दुनिया में सब मानते ताकत यही है कर्म जो नाम उसका हम संतोष ही हो जाते हैं, मेरी प्रमोशन नहीं हुई उसकी प्रमोशन नहीं हुई उसके पास गया भाई तुम्हारी किस्मत किस था वही मिल रहा भगवान जो प्रभु देते हुए थे जो कि बन गया, जो संतोषी नहीं है तो योग्य नहीं है, और जो संतोषी नहीं है उसको दुख ही दुख होगा, क्योंकि संतोष का शास्त्र में लिखा है संतोष का अनुत्तम सुख लगता है, जो संतोषी है सबसे ज़्यादा सुख, जो संतोषी नहीं है उसका सब होते हुए दुख हो, जो भगवान कर दे ये नहीं लाभ ये नहीं जो भी हो उसे समझो, ये आंसू खोले स्वामी जी कम शिष्य हैं स्वामी का गए मैले कुचारे कपड़े पहने हैं मंजी का बैठे हैं कहते जाओ खुद पानी पियाओ जीवन व्यतीत किया, हमें योग का प्रचार करना है ना कि गाने इकट्ठा करने हैं, तो रोटी मिले ना मिले उसमें खुश है तो उनकी मर्जी, तो हमेशा खुश हैं योगी होता है या साधु होता है वो ये नहीं कहते ये मिले वो मिले, अगर साधु किया कभी ही घने कभी सूखे चने, कभी ही घने कभी सूखे चने कभी वह भी ना वो खाया करें वह भी सही, ये हमारे गुरु जी मेरी जी दिन की हम खुशी मिल रहा था कभी की खुशी कभी ने यही उपदेश दिया तो संतोष जो करो संतोष गीता का उपदेश इसको चलना पड़ेगा, हम सुकून योग है तो योग करो योग करो, योग क्या है पहला योग गीता का योग पतंजलि का योग दर्शन तुम्हारा ग्रंथ है मुक्ति का ग्रंथ है, हम तो क्या कर सकते हैं दृष्टि जो है हमें दृष्टियों के लिए जो मिला है भगवान कृष्ण है हमें राजाओं के लिए जो मिलाया इसलिए वो तो क्या करें घर में रहते तो ये गीता का योग है घर के लिए है ना, और राजयोग घर के लिए उसने कहा कि तुम अपने कर्म कांड कर तब स्वाध्याय शिक्षाने के साथ साथ क्रिया योग में शुरू से कैसे होता है उसमें योग है यम यही कर यम क्या है वही सत सत बिना बर्ताव नहीं युद्ध बिना बर्ताव ये है किसका उपदेश पतंजलि जी यम पहली चीज है सत्य जो राम जो वेदों में है और सब ये राम के पास सत्य बिना बर्ताव नहीं युद्ध बर्ताव ये अज्ञान अपने नियम क्या है नियम शौच सिपाही खुदाई है जिस गंदा है वो खुदा से दूर है, शौच अपने अंदर शुद्ध फिर बीमार हो जाओगे
योग के साधन करो जिससे सफाई होगी, बाहर से सफाई होगी। नहीं हम देखो योग दर्शन पहली दो चीजें व्यायाम और योग, और व्यायाम में सच्चाई और नियम है। तो एक एक चीज मतलब हमें ले ले ले, ले तो भी सब होता है। और तो तीन बोलिए वो तीन योग हैं, तो तीसरा कौन सा है? आठ योग। आठ योग क्या क्या? वही तीन चीजें हैं, पहली तीन चीजें फिर छुट्टी करा लो योगी बन जाओ। छठ कर्म आसन प्राणायाम, छठ कर्म में जब नियुक्ति आदि क्या शुद्धि होगी, नहीं तो बीमार हो जाओगे। भ्रमण नहीं करोगे तो एसिड पैदा होगा, तो फिर अल्सर हो जाएगा अंदर, और ज्यादा पेट खराब होगा तो किडनी खराब हो जाएगी, ब्लड कैसे हो जाएगा। यह शिव का हाथ योग जो है ये तो कुमार की चीज है, और पहली चीज है छठ कर्म। दूसरी चीज है आसन, आसन ना करोगे तो मुझे घुटने की दर्द है, मुझे वो दर्द है, मैं पेट दुखती है, तो मंजी पर पड़ जाओगे। तो क्या होगा दूसरे सेवा करवा आसन, आसन दर्शी तुम दूस रखते आसन। छठ कर्म का गुण है शुद्धता, आसन का अर्थ है दृढ़ता शक्ति। प्राणायाम वो भी कर दिया, प्राणायाम का अर्थ है लागवता चुस्ती। भाई इंसान वह है जो चुस्त है, उठो काम करो, नहीं काम करेंगे तो दुनिया निकाल देगी। मैं एक बात बताता हूँ, जब गुलाब सिंह ने राज कश्मीर का राज स्थापित किया, देखा कश्मीरी पंडित बड़े बड़े हुए और मुसलमान भी बड़े मोटे साथ थे, फौज बना ली, बना ली फौज। अब नई फौज थी हमला करने का ऑर्डर हुआ, चलो तैयार हो जाओ। महाराज अभी चाय भी चाय जिसमें लगा तुम इसका बन नहीं हो, तुम एक जगह बोर्ड खो की फौज अभी जो बोर्ड हो गए हर वो चाह जाते मरने की हर चाहते मैं फौज में कहा। तो तब से हमारे गुलाब सिंह से लेकर अभी तक गोरखे गोरखे नहीं क्या होता है डोगरी की फौज, गोरखे फौज है, गोरखे लोग भी नेपाल से आए, वो भी ऐसे एक खुर्की थी उनके पास और चारी बनी तो खुर्की में लगी थी, मैं खुर्की के पास गई एक दिन वो तो कहते चाय पीनी है तो चाय के साथ प्राणायाम ऐसी शक्ति आती है झट उठ जाओगे। पांच बज गए उठो नहाओ, नहा लिया आसन कर लिए, नहीं जी अभी सात में सात में होते तो मैं आपके पास जाना होता, तीन बजे उठा नहा लिया
फिर अगर नींद आए तो आराम कर लिया, क्योंकि आराम भी चाहिए, परंतु मेरी बात सो जाओ लाज होता हिम्मत। तो ये है प्राणायाम, षटकर्म आष्टोत्तर, ये भगवान शंकर का उपदेश। तो अभी कहते हैं ये योग करो और योगी बनो, तो हम यही कुछ करने हैं। पर एक आश्रम में आते हैं तो स्कूल में जाते हैं, तो अगर हम ध्यान ही पास किए तो स्कूल में जाने का फायदा क्या? आप अगर इतने छात्र आए हैं या कोई भी आते हैं तो देखो मैंने क्या सीखा और क्या किया, काफी बनाओ। क्या छोड़ा और क्या आगे के लिए प्रॉब्लम बनाया, छोड़ना पड़ता है, उसको त्याग भी होते हैं ना। राम ने सत बोलने के लिए राज भी त्याग किया, सीता भी चिराई गई लेकिन राम बोले नहीं, तो सच्चाई की। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना पुत्र भी बिचा दिया, स्त्री बिका दी, खुद बिके, लेकिन सच्चाई छोड़ी। हमारे सामने शास्त्र हैं, शास्त्र किए लिखे हैं, हमारे सामने आदर्श हैं, नक्शे हैं, हमारे शास्त्र मैप हैं, हमारे सामने पढ़ते नहीं। और पढ़े पता लग गया जब हमारे सामने सत्य से मुश्किल पड़ती है, सत्य हरिश्चंद्र को देखो, भगवान राम को देखो और खुद कुर्बान हो जाओ। मैं भी आसमान, मैं भी बिक सकता हूँ, मैं भी अपना घर छोड़ सकता हूँ, मैं सच नहीं छोड़ सकता। नहीं, हम तो झूठ बोलना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम दुनिया की नहीं बनना, दुनिया से बोल लेगी। ईश्वर कलयुग है, कलयुग में सतयुग में सतगुण होते हैं, त्रेतर द्वापर में सत कल सतगुण होता है, रजोगुण और तमोगुण होता है, और कलयुग में तमो गुण अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें दिखाई नहीं देगा। आप सोसाइटी में चले जाओ तो आपको ऐसा अंधेरा लेगा कि सच्चाई तो है ही नहीं भाई। रात को सच्चाई कहाँ नजर आएगी, रात को चांदना कहाँ नजर आएगा, ऊपर बादल हैं, सितारे भी गए हैं, अंधेरा है, और अंधेरा असली चीज है, अंधेरा असली चीज है जो इस वक्त है। चांदने के लिए दीपक जाना पड़ता है, आप दीपक बनोगे, अंधेरा तो है। तो हमें इस वक्त ये पर भी गाय जो तीनों योग करने होंगे, मैंने तीनों योग का जो काख है बताया, योग तो बहुत है, तो जो भगवान शंकर का योग है वो तो दशम द्वार में शांत रहे हैं, हम किस नहीं कर सकते। और जो पतंजलि का योग है वो है बड़ा सा, मन मार दो, मन मर गया, मन कैसे मरे, मन बड़ा मेरे मैं किताब लिखी है ना राजयोग की, उसमें एक सिद्धा लिखा है योगी भी है जो ज्ञानी योग है योग है जिसको मन मर जाए, मन कैसे मरते हैं। लड़का आया, मैं समझाया उसको कि मन मरेगा ही तभी पतंजलि का योग सिद्ध होगा, मन मेरे तो जिंदा है। राष्ट्रयोगी राज हुए कृष्ण का योग, तो भाई घबरा जाते हैं, व्यापार किया हमारी किस्मत नहीं आए व्यापारी, हमने 50,000 रुपये गवा दिए एक दिन में, करा प्रभु की इच्छा कोशिश करो। ये है कृष्ण का योग, ये न केन लाभ संतुष्टा, ये नहीं कि सब लाभ होगा हानि भी होगी,
मगर अपना कर्तव्य कैसे चलेगा। तो भाइयों बहनों, आज ये था कि योग करो और योगी बनो। हम जो हमेशा समझ में, हम दिन रात योग करें। एक महात्मा थे लाहौर में, मैं उनके पास जाता था। किसी ने पूछा, आप योग कब करते हैं? वो योगी था, कहता हम बताओ मैं योग कब नहीं करता, मैं 24 घंटे योग करता। मैसेज शरीर ठीक रहता है, मन ठीक रहता है, सच्चाई पर चलता हूँ, खाता ठीक हूँ, मैं तो योग 24 घंटे करता हूँ। ईश्वर कहाँ है बताओ, तुम बताओ ईश्वर कहाँ नहीं है? जवाब हो गई थी तो मतलब। तो भाई बहन, आज यही है कि हम परिक्रमा में आए। अब परसों से बाहर से भी लोग आ रहे हैं जिनके उपदेश बहुत हो गए, उनसे भी मिलो, शिक्षा लो। ये बहुत योगी भी हैं तो सेवा भी करनी है, अभी करें। हमारा ये जो उत्सव है हर साल होता है, ये भी ठीक हो जाए, क्यों बाकी शहर में हो गया, वो सब ठीक था, अब हमारा भी आपका भी ये उत्सव ठीक हो जाए तो अभी करें, और इससे लोगों को और प्रेरणा मिले योग करने की। बहुत सच्चिदानंद महाप्रभु।